राम राम नमस्कार केमचो सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त ओजू प्लेज आ चुका हूँ आपके लिए एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के न्यू एपिसोड के साथ। और दोस्तों आज की वीडियो चालू करने से पहले मैं आपके साथ अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ। जो भी इसके बारे में सुनना चाहता है वो अभी एक मिनट तक वीडियो कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो आप एक मिनट के लिए स्किप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टाइमलाइन प्रोवाइड कर रखी होगी। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर दो वीडियोज अपलोड की थी जिसमें मैंने कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर की थी। बोल सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था अपने चैनल पे ताकि मैं जो एक इन्फॉर्मेशन आई है मार्केट में वो अपने दोस्तों के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर कर सकूं। बट उसी के चलते हुए यहाँ पे सुपरसेल की तरफ से मेरे को दो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी है मेरे चैनल के ऊपर। अगर एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो मेरा चैनल यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट रहने वाली है दोस्तों कि जो भी मैं अब वीडियो अपलोड करूंगा अपने भाई के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देना। इन शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने अभी तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक थी। तो इसलिए भाई आपको हमारे चैनल पे जो भी प्रेडिक्शंस होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 99.99% हम ठीक ही बताते हैं। एंड साथ साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमें यूट्यूब पे नहीं बतानी चाहिए एंड अब से मैं बताया भी नहीं करूंगा। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया मैंने। आपको कमेंट सेक्शन में जाके वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप बस जाइएगा उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी हम वहां पे अपलोड कर दिया करेंगे जिनमें भी थोड़ा सा रिस्क हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट अभी क्लैश ऑफ क्लैंस की तरफ से यहाँ पे दो वीडियोस आ चुकी हैं टाउन हॉल 15 से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो थी दोस्तों यहाँ पे टाउन हॉल 15 के स्नीक पीक की, जो कि जिसमें हमें टाउन हॉल 15 दिखाया गया था। दूसरी वीडियो अब जो कल आई है वो थी टाउन हॉल 15 के डिफेंस से रिलेटेड। बट मैं आज की वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊंगा दैट जो अपकमिंग वीडियो होगी उस स्नीक पीक वीडियो में हमें क्या देखने को मिल सकता है, ये हमारी एक प्रेडिक्शन रहेगी। आपको पता है भाई हमारी प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया तरीके से एकदम ठीक निकल रही है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई पेट हाउस के बारे में। यहाँ पे लेवल 4 का पेट हाउस है एंड अगर आपने ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो देखी हो तो वहां पे भाई लेवल 8 का यहाँ पे आ चुका है पेट हाउस। इसका मतलब है भाई नए पेट्स आने हैं, 4 नए पेट्स आएंगे आई थिंक अगर 4 नए लेवल्स बढ़ेंगे तो। मुझे लगता है कि आज का जो स्नीक पीक वीडियो आएगा क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑफिशियल चैनल पे वहां पे हमें 4 नए पेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको पेट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। अगले टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं वो है भाई एक नया दोस्तों यहां पे आई थिंक अब एक नया लेवल आएगा बैरक का, ऑलरेडी आ चुका है। अभी इन गेम हमें हमारे पास अपडेट नहीं है बट ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर्स के पास मैंने देखा है। तो भाई वहां पे अगर आपने देखा हो तो लेवल 16 का बैरक आ चुका है, इसका मतलब है कि नया ट्रूप भी आएगा। जहां तक मुझे लगता है भाई यहाँ पे जो नया ट्रूप आएगा वो एक डार्क ट्रूप नहीं होगा, हमारा जो नॉर्मल ट्रूप रहता है बैरक्स का वो होगा। साथ साथ हो सकता है अभी तक काफी लोगों को उस ट्रूप के बारे में पता चल गया हो, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ड्रैगन राइडर के नीचे आने वाला है नया ट्रूप। उसके नाम और उसकी अपीयरेंस के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो भाई आपको पता है रिस्क हो जाता है। बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि जो अपकमिंग अपडेट आएंगे ना वो मैं आपको बताता रहूंगा, जो भी बताऊंगा वो ठीक जरूर निकलेगा। आगे बात कर लेते दोस्तों नए स्पेल के बारे में। यहाँ पे स्पेल फैक्ट्री को लेवल 7 का अपग्रेड किया गया था। जो नया स्पेल आएगा वो एक डार्क स्पेल तो नहीं होने वाला है, एक नॉर्मल स्पेल रहेगा। आई थिंक जो नया स्पेल आएगा वो आई थिंक थोड़ा सेंटा से रिलेटेड जो स्पेल था, सेंटा स्पेल से रिलेटेड कुछ होने वाला है। तो अभी तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के स्नीक पीक के बारे में क्योंकि भाई जो भी आएगा कुछ ना कुछ हमें नया ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम एक बार बात कर लेते हैं न्यू वर्कशॉप के लेवल पे जो कि है लेवल 7। एंड लेवल 7 पे एक और नया यहाँ पे सीज बैरक आएगा। जैसे कि भाई यहाँ पर ऊपर सीज बैरक्स के ऊपर एक आई बटन नजर आ रहा है आपको, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक आई बटन है बट भाई यहाँ पे आई बटन के अंदर कोई बैरक नहीं है। तो बहुत जल्दी आई थिंक यहाँ पे एक नया सीज बैरक ऐड होगा। जो भी लेवल 7 का सीज बैरक अपग्रेड करके दिखाया था हमें ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर्स ने, वहां पे दोस्तों इस मैप के पास हमें एक ड्रिल देखने को नजर आ रही थी। तो हो सकता है कुछ ड्रिल से रिलेटेड हमें एक नया सीज बैरक देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे लॉग लॉन्चर का लॉग रखा हुआ है वैसे ही हो सकता है ड्रिल से रिलेटेड कुछ मिले हमें। बट वही बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा भाई दैट टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लेना, भूलना मत भाई, क्योंकि मैं वहां पे अब रेगुलर इन्फॉर्मेशन डालता रहूंगा जब तक TH15 का इन गेम अपडेट नहीं आता। और एक और चीज दोस्तों यार यहाँ पे टाउन हॉल 15 की इतनी ज्यादा अभी तक हाइप क्रिएट हो चुकी है दैट लोग हैलोवीन अपडेट को भूल चुके हैं जो कि अक्टूबर में ही आता है। उस अपडेट के अंदर भाई बहुत सारी नई नई चीजें आती है, जैसे कि आई थिंक नई सीनरी आती है, नई लोडिंग स्क्रीन होती है एंड एक नया हमें सीजनल ट्रूप भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नए ऑब्स्टेकल्स भी होते हैं और भी बहुत कुछ आता है, हमें किसी न किसी हीरो की नई स्किन भी देखने को मिलती है। तो इस बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा एंड सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड करते ही आपका भाई तुरंत नेक्स्ट वीडियो बनाना चालू कर देगा। एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को ये भी बता देना कि यार आप बिल्डर बेस के रिलेटेड अपडेट्स जानने में एक्साइटेड हो के नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट है बिल्डर बेस से भी रिलेटेड। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखी है, तो अगर आप मेरे को यार अपना भाई समझते हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ही दिखाओ कि बस वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया,
चलो भाई, अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, अब चलता हूँ मैं आपके लिए, बनाता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए आप खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस।